नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि इस बार के रिजल्ट में कौन सा राज्य है सबसे आगे। दोस्तों, यूपीएससी 2022 के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और देश के अलग अलग कोनों से छात्रों ने अपना परचम लहराया है। रिजल्ट्स आने के बाद अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर मेरे राज्य का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न आज हम अलग अलग राज्यों में सफल होने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करें। तो आइए शुरू करते हैं इस विषय पर आगे की चर्चा। क्योंकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 1951 से लेकर 2021 तक 70 सालों में देश के सबसे ज्यादा IAS उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। 2021 तक यूपी के कुल IAS अधिकारियों की संख्या 717 है। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार आता है, जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ 452 IAS निकले हैं। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, जहाँ से 322 उम्मीदवारों का चयन IAS पद के लिए हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जिसने देश को 318 IAS अधिकारी दिए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश 314 IAS अफसर यहाँ से निकले हैं। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहाँ से 253 IAS अधिकारी हैं। वहीं पंजाब से 232 हैं, तो दिल्ली से 211 IAS निकले हैं। नौवें नंबर पर आता है हरियाणा, जिसने 190 IAS अधिकारी दिए हैं। वहीं टॉप 10 में अंतिम स्थान पर आता हुआ है MP, जहाँ से 183 IAS अफसर निकले हैं। साल 2022 के रिजल्ट, अब जैसा कि हमने देखा, उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट सिविल सर्विस में काफ़ी आगे रहते हैं। यह ट्रेंड इस साल भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने UPSC रिजल्ट 2022 में शानदार प्रदर्शन के जरिए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कुछ अभ्यर्थियों ने अभावों को पार करते हुए सफलता के मंजिल को छुआ है। किसी ने निषक्ता को पार करते हुए, यानी कि हैंडीकैप होने के बाद भी, देखा होगा तिवारी जी को, सफलता की इबारत को लिख दी है। इतना ही नहीं, इस बार की ऑल इंडिया रैंक 1 इश्ता भी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली है। हालांकि वह बिहार से, पटना से हैं। और टॉप 10 में 4 लड़कियों ने उत्तर प्रदेश से देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सफलता को देखें तो बिहार से 2 और बाकी के 2 UP से हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, उसका नाम है अभ्युदय योजना। इस योजना के अंतर्गत स्टूडेंट को मुफ्त में सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग संस्थान की सुविधाएं दी जाती है। यह योजना इसी साल शुरू की गई है और पहले ही साल में 13 स्टूडेंट ने UPSC में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के स्टूडेंट ने भी सिविल सेवाओं में अपना परचम लहराया है। प्रथम और दूसरी टॉपर बिहार से है। वहीं टॉप 10 में देखेंगे तो 3 अभ्यर्थी बिहार से हैं। वहीं टॉप 100 में 10 अभ्यर्थी जो है वो बिहार से है। जबकि सफल हुए परीक्षा के फाइनल लिस्ट में 933 में से बिहार के 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। और जो बात बिहार के स्टूडेंट को बाकियों से करते हैं, तो यहाँ के वर्ल्ड क्लास कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद यहाँ पटना में बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चूँकि दिल्ली में रहते हैं। यदि आपको याद हो तो साल 2020 के टॉपर शुभम कुमार भी बिहार से ही थे, जो कटिहार के थे। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद राजस्थान के कई होनहारों ने देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित इस परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बीते कुछ वर्षों में UPSC परीक्षा में राजस्थान के युवाओं की सफलता का प्रतिशत खासा बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम राजस्थान के जिलों ने इस परीक्षा में कई प्रतिभाएं सामने आ रही है। इस बार भी पश्चिमी राजस्थान के युवाओं ने इस परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे अधिक सिलेक्शन के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इन राज्यों की बड़ी आबादी भी है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन राज्यों में सिविल सेवा को लेकर युवाओं में कुछ ज़्यादा ही क्रेज है और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन भी यहीं से होता है। इसके अलावा राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में चर्चा कम होती है, लेकिन यहाँ से भी IAS बनने वालों की संख्या जो है अत्यधिक है। तो ये थी एक रिपोर्ट, जो कि न्यूज़पेपर और बाकी जो कटिंग्स है, जो अवेलेबल जो ऑनलाइन डिटेल्स है उसके आधार पर था। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो डिटेल्स थे उसके आधार पर हमने आप इसकी आज चर्चा की है, किस राज्य की क्या परफॉर्मेंस रही। उम्मीद करता हूँ कि बाकी राज्य भी जो है इस रेस में आगे बढ़ेंगे और युवाओं जिनके पीछे क्रेज है IAS बनने का, उसमें कमी नहीं आए, उनकी तैयारी चलती रहे, अच्छी तैयारी होती रहे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।